हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाना सीखेंगे व्हिप क्रीम, कैसे इसे व्हिप किया जाता है। ये अलग अलग पेस्ट्रीज़ में, केक्स पे और कई चीज़ों में यूज़ आते हैं डेजर्ट में। तो चलिए बनाना सीखते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। 2 कप व्हिप क्रीम लेंगे। मैंने ये वाली व्हिप क्रीम आती है मार्केट में, अलग अलग ब्रांड्स की आती है, तो आप ये लेकर आप इसे इस तरह से निकाल लीजिए। 2 कप, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। व्हिप क्रीम को हम ले लेंगे बड़े बॉल में और हमेशा ठंडा रहना चाहिए, काफी ठंडा होना चाहिए। ये हाथ मिक्सर से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं और अदरवाइज जो है इससे बहुत आसानी होती है इस मशीन से ब्लेंड करने में, इसको व्हिप करने में। तो ये आप यूज कीजिएगा इसको व्हिप करने के लिए। पहले लो से हम शुरू करेंगे, काफी ठंडा है ये, फ्रीजर का है। हम एक ही फ्लो में गोल घुमाएंगे, तो ऐसे या ऐसे वापस उल्टा नहीं करेंगे, एक ही मोशन रखेंगे इस तरह से। अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे व्हिप होने में, ये बहुत टाइम लेता है होने में। काफी लोग थोड़ा देर करके फिर बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, ये व्हिप नहीं हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लगता है, हो जाता है। थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया है, अब इसे हम हाई स्पीड पे ले जाएंगे मशीन को करेंगे। इसे हम करते हुए हमें हो गए हैं 7 मिनट और इसमें सॉफ्ट पीक बन रहे हैं। इसे हम और अभी करेंगे, 10 मिनट और करेंगे। का वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है काफी पहले से, और इसके पीक भी बन रहे हैं काफी पहले से, स्ट्रांग है इसके पीक। वेब हम थोड़ा सा और करेंगे, इसे बहुत अच्छा डिजाइन हम बना सकते हैं इससे थोड़ा देर और। इसे हमें हो गया 15 मिनट करते हुए, इसे हम ज्यादा नहीं 3 से 4 मिनट और करेंगे इसे वेब। काफी फ्लफी हो गया है व्हिप करते करते, और इसकी जो पीक्स बना रहे हैं ये वापस गिर नहीं रहे, बिल्कुल रह रहे हैं, स्टिफ है, तो ये एकदम परफेक्ट है। इस पे अब हम चीनी मिलाएंगे, वनीला एसेंस मिलाएंगे और इसे वापस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। निकालेंगे तो बिल्कुल इसमें जो लगे हुए है ना वो बिल्कुल निकल जाएंगे इसमें से, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे बंद कर देते हैं। काफी क्लीन निकल गया, आप देख सकते हैं ये। आइसिंग व्हिप क्रीम सब रेडी है हमारा आइसिंग करने के लिए किसी भी केक के लिए। और इसमें अगर फ्लेवर्स आपको ऐड करना है तो इसमें चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, तो चॉकलेट क्रीम बन जाएगा। और अलग अलग तरह के आप फ्लेवर्स के इसमें क्रीम बना सकते हैं।
अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.